युवा को शर्मसार करने वाली घटना एमपी के सिंगरौली जिले से है, जहां एक गरीब परिवार के लोगों को घर के मुखिया के इलाज हेतु जमीन तक गिरवी रखनी पड़ी। चितरंगी बसनिया निवासी बलिराज की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने जयंत एनसीएल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान पीड़ित की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने पीड़ित परिवार से बीपीएल कार्ड एवं सरपंच द्वारा प्रमाणित पत्र की मांग की है। वहीं पीड़ित परिजनों से पत्रकार बात कर रहे थे कि तब डॉक्टर संतोष मिश्रा ने पहले तो खबर कवरेज करने से पत्रकारों को रोका, उसके बाद पत्रकारों को धमकियां भी देने लगा कि तुम्हें जो छापना है छापो। वहीं डॉक्टर ने पुलिस से मृतक के परिजनों पर झूठे आरोप मर दिए। पीड़ित मृतक के पुत्र ने कहा कि घर का पैसा व जमीन चली गई। वहीं दूसरी तरफ नेहरू अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा अपशब्द भाषा का प्रयोग किया गया। फिर कुछ ही देर में डॉक्टर पीड़ित परिजनों को जान से मारने की धमकी भी देने लगा, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने पुलिस के समक्ष लिखित दी है। फिलहाल देखना यह है कि ऐसे डॉक्टरों पर कार्यवाही कब होगी। परिवार ये होता सब मानते हैं, हम उसका भी छुट्टी पे जा सकते हैं, उनका यही पर डॉक्टर है, सब है। लेकिन जब ने हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब आप बीपीएल कार्ड आवे ऑफसेट क्यों नहीं करते हैं? अब बोलिए कि नहीं, हम बीपीएल कार्ड ऑफसेट नहीं करेंगे यहाँ पर, या किसी गरीब का नहीं दवा करेंगे। देखिए आप तो आप गरीब का मसीहा बन रहा है, एक तरफ का एक तरफ इधर मसीहा का पैसा खाली कर रहे हैं मसीहों का। आप जाती थे मैनेजमेंट से बात की, मैं आप बीच में क्यों तब बोल दिए? मैंने आपसे कुछ चर्चा नहीं किया, बात समझा, इनकी बात हम सुने। हाँ, इनकी बात सुने तब हम इंटरव्यू। मैं सर आपसे रोज मिलता हूँ, मैं आपसे प्लीज बात नहीं किया हूँ। केसेस में तो कभी नहीं बोला कि आप भैया आपको जो छापना छापिए ना, दैट्स माय ड्यूटी, आप दैट्स माय ड्यूटी। आप कोर्ट में भी चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप कोर्ट में भी जाइए। क्या बहुत जल्दी जाएंगे सर, बहुत 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 सारी फाइलें खोलेंगे, आप देखते रहिएगा। आप खोलते रहिए ना भैया, दर्जनों ये अस्पताल 25 साल से चल रहा है ना, और 25 साल से दर्जनों केस आए गए। सिंगरौली से अनिल दुबे की रिपोर्ट।